कल अच्छा हुआ इंडिया हार गया, क्योंकि 4 PM एक चैनल है यूट्यूब, तो वो बोल रहा था उसके पत्रकार दोस्त लोग न्यूज़ चैनल में काम करते हैं और वो लोग रात रात भर काम कर रहे थे और इंडिया का जीत का क्रेडिट पूरा मोदी को दिलाने के लिए वीडियोस बना रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की बजा भारत का डंका, ऑस्ट्रेलिया की बजा दी लंका, ऐसे मतलब मुहावरों से बहुत सारे कार्यक्रम बन रहे थे। इंडिया जीतती तो ये लोग ने कार्यक्रम रेडी करके रखे थे सारा क्रेडिट मोदी को देने के लिए। तो मतलब कुछ भी अच्छा होगा सारा क्रेडिट ये ले लेता है, और कुछ भी बुरा हो गया तो इसका कुछ लेना देना नहीं उसके साथ। तो अच्छा हुआ, वैसे भी क्रिकेट टाइम वेस्ट है, हर हफ्ते कुछ नया सीरीज चालू हो जाता है। ओवर पेड क्रिकेटर से 50-100 करोड़ एक एक को, और जो लोग देखते हैं वो बेसिकली प्राउड फील करने के लिए देखते हैं। तो खुद कुछ कर नहीं सकते, तो प्राउड फीलिंग के लिए क्रिकेट कंट्री जात रिलीजन से जुड़ के, चल किसी ने अच्छा काम किया वो मेरे धर्म का है, मेरी जात का है, मेरी कंट्री का है, ऐसा बोल के उसके साथ लिंक करके प्राउड फील करते हैं। तो बेसिकली क्रिकेटर्स को पैसा मिलता है और लोगों को प्राउड फीलिंग मिलता है, और प्राउड फीलिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल मैं देखा पहले से ही पटाखे फूट रहे थे एक एक 4-6 पे विकेट पे ऑस्ट्रेलिया के, तो फटाके वो लोग के वेस्ट गए लाके रखे थे। तो सारा प्राउड फीलिंग के लिए जद्दोजहद चल रही थी। और ये अजीब सा है कि एक नौटंकी ड्रामेबाज एक्टर को अभी प्रधानमंत्री बना दिया और कुछ भी काम नहीं करता है, सिर्फ फोटो खींचता है। अभी कल आया रहेगा स्टेडियम पे 50-100 करोड़ खर्चा करके, पूरा आर्मी लेके घूमता है, और पूरा दिन लोगों को फिक्टिशियस माल बेचा जाता है, प्रोपेगेंडा कंटिन्यूस चलता है, माइथोलॉजी मतलब कुछ भी। और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन अभी अभी लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि बार बार एक ही टेक्निक यूज़ करेगा तो बाद में वो एक्सपोज हो जाता है। 10 साल से एक ही चीज़, सारा क्रेडिट मोदी को, कुछ भी हो गया अच्छा क्रेडिट मोदी, मोदी ने किया, मोदी ने किया, क्रिकेट टीम जीता मोदी ने के वजह से, और ऐसा करके गार्बेज फीड करो लोगों में, और लोगों को वो सारा गार्बेज अच्छा भी लगता है। तो अभी बार बार वो करने से ये टेक्निक एक्सपोज हो रही है, और उसको अभी लोग पनौती बोल रहे हैं, जो एक्चुअल में है भी वो भाई। पनौती हटेगा 2024 में, उसकी फाइल खुलेगी और फिर तभी मज़ा आएगा, और वो इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे स्कैम एक्सपोज होंगे जो
कभी किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। चांडाल चौकी इनकी चौकड़ी पूरी एक्सपोज होगी।